बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सागर राय और आप देख रहे हैं HRNW न्यूज़ कराची। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन बुलेटिन के साथ हाजिर हैं। करंजी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फिल्मी अंदाज में मुकाबला। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 10 बजे करंजी 5 नंबर पर कायम निजी लेब पर मोटरसाइकिल सवार दो मुलजिमान ने धावा बोलकर अमले को यरगमाल बनाकर काउंटर से नोटों से भरा थैला भर लिया और फरार होने लगे। इसी दौरान नामालूम शख्स ने डकैती की इतला 15 मददगार पुलिस को दी। SHO अवामी कॉलोनी करंगी जमाल लगारी फौरन अपनी टीम के हमरा जाए वकुआ पर पहुंचकर डाकुओं पर फायरिंग कर दी, जिसमें से एक डाकू जख्मी हो गया जबकि दूसरे डाकू ने एक खातून को यरगमाल बना लिया। इसी वाक्य की वीडियो आपको दिखाते चले। वाजे रहे कि डाकुओं ने पुलिस को धमकियां भी दी कि हमें जाने दो वरना इस खातून को गोली मार दूंगा। पुलिस और डाकुओं के माबेन 10 मिनट तक गुफ्तगु जारी रही। बाद हजार डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 45 साल पुलिस एहलकार मोहम्मद बख्श और एक राहगीर जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दोनों मुलजिमान हलाक हो गए। दोनों मुलजिमान मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। अब तक के लिए इतना। अपने मेज़बान सागर राही को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।